हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्बा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके ईबीएस के क्लास 5 के चैप्टर नंबर 4 पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया गया है आपको एक लाइन, हम अंडरलाइन करते जाते हैं, ज्यादा देर का वीडियो आपका नहीं होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कम देर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बता देते हैं। राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन आएगा लक्ष्मणगढ़ कहाँ है, तो लक्ष्मणगढ़ कहाँ है मेरा, लक्ष्मणगढ़ मेरा राजस्थान में है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पॉइंट आउट करेगा। दूसरी चीज है कि इसमें एक लड़के की बारे में बताया गया है जिसके की पिता की ट्रांसफर होती है, तो वहां पे देगा कि जब वो कैंपस के अंदर गए थे तो कितने तरह की तितली की प्रजाति थी, तो 17 तरह का, ठीक है। और पक्षी कितना था मेरा, 87। ये आपका 3 पॉइंट इस पेज में है। और पिक्चर मोर, कबूतर, बगला, ठीक है, चील, बत्तख, घोड़ैया, ये सबके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि उसको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि कुछ पौधे हैं, ठीक है, 11 तरह का पेड़ पौधे, पत्ती, किसी चीज में फल भी है, ठीक है। हर्बेरियम क्या है, यह तो उसको पता नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से आपको पूछेगा कि हर्बेरियम क्या है, तो हर्बेरियम क्या है, उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। मेरे घर के पास वाले तालाब में तो हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, वो पौधा जमा किया है उसके बारे में, पत्तियां आपको सारा चीज डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस तरह से इसमें देखिएगा आप, ठीक है, पत्तियों के आकार की तरह कुछ पत्ती की बेनिफिट, कुछ लॉस के बारे में आपको पूछेगा। इसमें कुछ वैसा खास नहीं है, बच्चा ने जमा किया है, ठीक है। चलिए, एक प्रोजेक्ट के तौर पे बच्चे को मिला है बनाने के लिए, उसमें पौधे को जमा करना है। यहाँ पे देखिए, एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसे पौधे दिखे हैं, ये पौधे का नाम आपको पूछ सकता है या नाम दे देगा, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, तो पानी में रहता है, घास वाला। घास वाला का जड़ क्या होता है, काफी फैला फैला होता है, वो मिट्टी को काफी जकड़े हुए रहता है, आप इजिली उसको रिमूव, सूखी मिट्टी अगर है ना तो नहीं कर सकते, उसमें पानी देके खुरपी का यूज करके उसको सॉफ्ट करके तब निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बबूल का पेड़ है, कैक्टस का, ठीक है, पेड़ है, दोनों के बारे में आप थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। इतना घूम घूम कर पौधा इकट्ठा किया था, तो 40 पौधा इकट्ठा किया था। और इसमें एक चीज आपको दिया हुआ है कि जहाँ वो रहता है वहां पे ढेर सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन उसके, ठीक है, भैया का घर कोलकाता है, वहां पर इतने पेड़ पौधे पक्षी नहीं है। तो क्यों, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधा नहीं है इसलिए पशु पक्षी नहीं है, वहां पर ज्यादातर क्या है, नाले हैं, तो मच्छर मिलते हैं। तो आपके आसपास अगर नाला है, कचरा है, तो आपको मच्छर ही देखने को मिलेगा। अगर साफ सुथरा है तो आपको क्या होगा, पेड़ पौधा और फूल मिलेगा। इसमें यही 3-4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो नोट्स, उम्मीद है कि आप लोग इसका तैयार कर रहे होंगे, नोट्स को तैयार करते जाइए। और लास्ट में आपसे यही कहेंगे, जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।